हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन की है और पाइथन में फंक्शन हम बता रहे थे कि फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं। तो एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था, इसके पहले और भी वीडियोस मैंने पब्लिश किए हैं फंक्शन को लेकर के, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे, इस वजह से और भी वीडियोस डाल रहा हूं। अभी हम यूजर डिफाइंड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पाइथन जो आइडियली है उसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से पाइथन की आइडियली ओपन कर लिया हमने, ये पाइथन की सेल है, तो हमें पाइथन के शेल पे काम नहीं करना, हमें कहां काम करना है, एक नई फाइल ले लेते हैं वहां पे काम करना है, यहां पे हम काम करेंगे। तो अब यहां पर एक फंक्शन मैं बना लेता हूं, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, दैट्स व्हाई यहां पे लिख देता हूं माई और यहां लगाता हूं अंडरस्कोर फन, तो ये लिख दिया माई फन। अब ये माई फन नाम से फंक्शन बना दिया, लेकिन फंक्शन बनाते समय डेफ कीवर्ड का लिखना जरूरी है, तो यहां डेफ कीवर्ड भी हमने लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहां पे लगा दिया कोलन, क्योंकि ये फंक्शन है ना, फंक्शन है, तो दैट्स व्हाई यहां पे कोलन लगा दिया हमने। अब एंटर प्रेस करता हूं, अब हमें प्रिंट क्या करवाना है वो देख लीजिए, ठीक है। और क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम प्रिंट करवाना चाहते हैं इन दोनों का सम, एडिशन ही तो करवाना चाहते हैं हम। तो यहां पर ना तो वेरिएबल हमने बनाया है ना तो कुछ बनाया है, ये बात हमारी दिमाग में तब आती है जबकि हम प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं, और हम किसका किसका सम कराएंगे जब हमने वेरिएबल ही नहीं बनाया है। तो यहां पे वेरिएबल बना दीजिए, यहां पे कर दिया ए और फिर कर देंगे कॉमा बी, ये कर दिया, अब ये दोनों वेरिएबल बन गए। अब यहां पर क्या करना है, लिखना है द एडिशन इज, ठीक है, इतना लिख दीजिए द एडिशन इज, और फिर यहां पर ये डबल एडेड कोट्स में रहेगा या सिंगल एडेड कोट्स, डबल एडेड कोट्स दोनों दे सकते हैं आप, आपको जो सुविधा लगे जैसा ठीक लगे वैसा करिए। डबल एडेड कोट्स अगर अच्छा लगता है तो डबल एडेड कोट्स दीजिए, अदरवाइज सिंगल एडेड कोट्स भी आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पे कराना क्या है, ए और बी का सम कराना है ना, तो ए और बी का सम करा दिया हमने, लीजिए हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया आपका। अब आप इसको सेव कर लीजिए, यहां से इसको सेव करता हूं, देखिए यहां पे जाता हूं और अब इसको मैं सेव कर रहा हूं, तो डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं। ये डेस्कटॉप पे जाकर के हमने फन .py लगाना जरूरी, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है, ये हमने सेव कर दिया। अब ये चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा, तो यहां से F5 बटन प्रेस कीजिए, ठीक है, तो ये रन हो गया, तो रन हुआ तो कुछ भी नहीं किया, तो कब आएगा, तो आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा, इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। हमने फंक्शन का नाम क्या दिया, हमने फंक्शन का नाम दिया माई अंडरस्कोर फन, यही तो दिया था फंक्शन का नाम, ये दिया था ना। और अब यहाँ पे उसको बताइए कि किसको किसको आप सम करवाना चाहते हैं, ठीक, लाइक हमने कह दिया कि हम 20, 30 इन दोनों को सम कराना चाहते हैं, इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो अभी कहेगा ठीक है हमको पता चल गया है, अब इसको सेव करिए, तो यहां से हम इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद आप इसको रन करवा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो देखिए इसका रिजल्ट 50 आ रहा है, हमने क्या क्या ऐड किया था, हमने ऐड किया था 20 और 30, तो इसका रिजल्ट 50 आ रहा है, क्लियर है। अब करना क्या है, अब मान लीजिए कि हमको फिर जरूरत पड़ी और फिर हमने सोचा कि फिर नहीं नहीं अब इस बार हमको 25 और 90 को ऐड कराना है, तो यहां पे फिर उसी फंक्शन को कॉल कर दीजिए, माई फन ये लिखा हमने, और किसको किसको ऐड कराना है देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको 20, 77 इन दोनों को ऐड कराना है, तो बस हो गया, कॉल कर दिया हमने फंक्शन को, अब इसको यहां से सेव कीजिए और यहां से रन करवा दीजिए, बस हो गया काम, ये सम करके दे देगा हमें। तो देखिए पहले वाले का सम आ रहा है 50, दूसरे वाले का 97, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको किसी और का सम कराना है, तो यहाँ पे फिर वो भी लिख दीजिए माई फन, यही फंक्शन का नाम था, और यहाँ पे मान लीजिए हमको 20.5, 89.6 इन दोनों का सम कराना है। अब देखिए यहाँ डेसिमल हो गया है, ध्यान दीजिएगा, अब इसको सेव करता हूं, देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रोग्राम को जैसे हमने चलाया तो ये डेसिमल नंबर का भी सम करके हमें दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो करता क्या है। हमने इसे बता दिया कि दो नंबर्स का एडिशन करना है, तो जब जब हमें जरूरत पड़ेगी एडिशन करवाने की हम खाली लिख देंगे और ये ऐड करके दे देगा, हम बता देंगे कि हाँ इन दोनों को ऐड करो, तो वो ऐड करके दे देगा। आ रही है बात समझ में, यूजर को बस नंबर को एंटर करना है, लाइक सी लैंग्वेज में जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही है ये। तो आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।